हेलो गाइस, खान मेडिकल लेक्चर चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक सिरप के बारे में कि कौन सा एंटीबायोटिक सिरप किस बीमारी में दिया जाता है। हम यहाँ सभी तरह के एंटीबायोटिक सिरप के बारे में जानेंगे। तो गाइस, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा एंटीबायोटिक सिरप आता है मैकपोड 100। आप देख सकते हैं मैकपोड 100, इसके अंदर सिफोडॉक्सिम होता है और ये मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। और ये जो है सिफोडॉक्सिम का सिरप होता है। आप जो है ब्रांड नेम के साथ जो है साल्ट का भी ध्यान रखिए कि कौन से ब्रांड नेम के साथ कौन सा साल्ट है, क्योंकि साल्ट का जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब इसके यूज़ के बारे में हम जान लेते हैं कि किस बीमारी में दिया जाता है बच्चों को। तो ये एंटीबायोटिक सिरप टाइफाइड फीवर, मतलब मियादी बुखार जब होता है बच्चों को तब इसे दिया जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाता है, त्वचा में जो है खाल में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर साइनेडिस। साइनेडिस एक बीमारी होती है फेफड़ों की, जिसमें जो है नज़ला हो जाता है एकदम से, मौसम बदलने से बच्चों को जुकाम, छींके और कोल्ड हो जाता है, तो उसे हम साइनेटिस बोलते हैं। तो साइनेटिस में भी इसका यूज़ होता है। फिर हमारा अगला सिरप आता है क्लेबाम सिरप। आप देख सकते हैं क्लेबाम एंटीबायोटिक सिरप होता है, इसके अंदर एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोवेनेट होता है। ये एल्केम कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है एयर इन्फेक्शन, कानों में जब संक्रमण हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आई इन्फेक्शन, आंखों में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब दिया जाता है। तो ये इसके यूज़ होते हैं और ये भी बहुत अच्छा एंटीबायोटिक सिरप होता है। फिर नेक्स्ट आता है ओफ्लोमैक एम सिरप। ये ओफ्लोमैक एम सिरप जो होता है इसका यूज़ होता है डायरिया में। डायरिया मतलब जब उल्टी दस्त लग जाते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा पोटी होने लगती है, तब इसको दिया जाता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब मूत्र नली में जब संक्रमण हो जाता है बच्चों की, पेशाब की नली में, तब इसको दिया जाता है, या फिर स्टमक अल्सर। स्टमक अल्सर मतलब पेट के अंदर जब अल्सर हो जाते हैं तब इसको दिया जाता है। इसके अंदर ओफ्लोक्सासिन एंड मेट्रोनिडाजोल होता है, मैकलोड कंपनी का होता है। तो ये सारे इसके यूज़ होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेंजोमैक टीएस सिरप। आप देख सकते हैं इसके अंदर लेंजोलिड होता है और ये भी मैकलोड्स कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर लेंजोलिड जो होता है, इसका जो यूज़ होता है गाइस, वो होता है नमूनिया, जब बच्चों को नमूनिया हो जाती है तब इसको दिया जाता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब इसको इस्तेमाल में लिया जाता है, या फिर स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में संक्रमण हो जाता है तब भी हम इसे इस्तेमाल में लेते हैं। फिर हमारा अगला सिरप आता है कोलिजन डीएस सिरप। आप देख सकते हैं इसके अंदर कोलिस्फिन होता है, इसके अंदर कोलिस्फिन सल्फेट होता है और ये मैनकाइंड कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसका इस्तेमाल हम बच्चों में तब करते हैं जब बच्चों को डायरिया मतलब उल्टी दस्त लग जाते हैं तब इसको दिया जाता है, या फिर यूटीआई इन्फेक्शन मतलब मूत्र नली में संक्रमण हो जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर स्टमक इन्फेक्शन पेट के अंदर, आंतों के अंदर जब जो है पेट में इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों के, तब भी इसको इस्तेमाल लिया जाता है। काफ़ी अच्छा सिरप होता है गाइस। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वीडियो का, जो आपको नॉलेज हो आगे भी आपको याद रहेगी, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट सिरप आता है जीफी सिरप, जीफी 100, जो कि सिफेक्सिम होता है इसके अंदर कंटेंट, और ये जो है एफडीसी कंपनी बनाती है। काफ़ी अच्छा सिरप होता है। इसके अगर हम यूज़ की बात करें तो टाइफाइड फीवर मियादी बुखार में इसे दिया जाता है, काफ़ी अच्छा रोल होता है मियादी बुखार में, या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण हो जाता है बच्चों के, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कमज़ोर होते हैं, हड्डियों में संक्रमण होता है तब भी इसको दिया जाता है, या फिर आरटीआई इन्फेक्शन मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब सांस नली में जो संक्रमण होता है उसे हम आरटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है तब भी इसको बच्चों को दिया जाता है ये सिरप। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फी सिरप। आप देख सकते हैं सेल्फी, इसके अंदर जो होता है सेफ्यूरोक्सिम होता है, सेफ्यूरोक्सिम काफ़ी हाई एंटीबायोटिक होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है बच्चों में वो किया जाता है हेड इंजरी, जब सिर में चोट लग जाती है बच्चे का, सिर फट जाता है तब इसको दिया जाता है, या फिर बोन इन्फेक्शन, हड्डियों में संक्रमण हो जाता है तब भी इसको इस्तेमाल में लेते हैं, या फिर नमूनिया, ठंड लगाने से नमूनिया हो जाती है बच्चों को तब भी इसको इस्तेमाल में लिया जाता है। फिर हमारा अगला सिरप आता है स्पोरिडेक्स सिरप। आप देख सकते हैं स्पोरिडेक्स सिरप होता है, इसके अंदर सेफ्लोक्सिन होता है और इसका जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर मतलब हल्का बुखार होता है बच्चों को तब इसको दिया जाता है, या फिर वूफिंग कफ, वूफिंग कफ का मतलब होता है काली खांसी, काली खांसी में इसका काफ़ी अच्छा रोल होता है, या फिर लंग इन्फेक्शन, फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है तब भी इसको बच्चों को दिया जाता है ये सिरप। तो ये सारे सिरप जो है एंटीबायोटिक सिरप होते हैं जो अलग अलग बीमारियों में दिए जाते हैं। तो गाइज, आपको हमारी दी गई अच्छी जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।